वाले क्लास हम लोग शुरू किए थे वर्क ट्रांसफर इन वेरियस प्रोसेसेस। याद आ रहा है तुम लोगों को? कल रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। चार कॉलम बनाए थे हम लोग। हाँ यार, पहला कॉलम में क्या ट्रांसफर देखे थे हम लोग? वर्क इधर देखे। सबसे पहले क्या देखे थे? हीट ट्रांसफर। फिर हम लोग क्या देखे थे बच्चों? वर्क ट्रांसफर। फिर हम लोग क्या देखे थे? आइडियल गैस इक्वेशन। फिर हम लोग क्या देखे थे? ग्राफ। इतनी चीजें हम लोग कर रहे थे। हाँ या ना? सबसे पहला वाला जो प्रोसेस था, और यहाँ पे था प्रोसेस, सबसे पहला कौन सा प्रोसेस सीखे थे? आइसोकोरिक में क्या कॉन्सेंट रहता है? इसके लिए Q की वैल्यू हीट ट्रांसफर कितने के बराबर आ गया? चेंज इन इंटरनल डेल्टा U। हाँ या ना? इसके लिए वर्क ट्रांसफर की वैल्यू कितनी है? इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन कितनी आई थी? है दिस इज इक्वल टू। हाँ या ना? इसके लिए ग्राफ भी बनाए थे क्या? कैसे ग्राफ तो याद है कुछ? इस पे P था और इस पे क्या था? V। और क्या क्या बात हुई थी? पैरेलल था, कांस्टेंट वॉल्यूम है ना? याद आ रहा है? इसमें एरो किधर था? कुछ नीचे कुछ ऊपर। और इधर एरो? तो ये वाला प्रोसेस वन से देखे टू, और ये किसका प्रोसेस था? ये किसका था? ये था हीट सप्लाई। और ये किसका था? वो हीट सप्लाई का था। और ये किसका हो गया था बच्चों? हीट। फिर अगला प्रोसेस, ये सब लोग को याद है अच्छे से। फिर अगला प्रोसेस कौन सा था? क्या बारिश या पीएसए? यहाँ पे क्या चीज कॉन्सेंट था? प्रेशर। तो सम ऑफ ऑल द क्यू किधर गया था? डेल्टा एच। एच क्या था? चेंज इन एंथैल्पी। याद आ रहा है? और वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला कितना आया था? पी वी टू माइनस। आइडियल गैस इक्वेशन कितनी आई थी? वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू। यही बोल रहा हूँ, प्रेशर तो कांस्टेंट है, वही तो चेक कर रहे हैं। अगला नेक्स्ट ग्राफ, इधर प्रेशर है और इधर वॉल्यूम। ये आया था और ये आया था, याद आ रहा है? वन से टू और टू से वन। क्या मैं सही लिखा हूँ? अरे हाँ ना। तो ये बताओ कौन हीट रिजेक्शन, कौन हीट सप्लाई? और ये किसका है? हीट। अरे आ रहा है कि नहीं? इतनी बातें करके हम लोग फिर रुक गए। ये तुम लोग चार्ट बना लिए होना चाहो। अगला प्रोसेस हम लोग वर्क ट्रांसफर निकालेंगे कौन से प्रोसेस का। तो अगला जो प्रोसेस है बेटा, उसको बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। डल रिस्पॉन्स और चुप चुप हो जाओ। अब हम लोग कौन सा प्रोसेस पढ़ने वाले बच्चों? कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आइसोथर्मल के नाम से। इसको किस नाम से भी जानते हैं बच्चों? आइसोथर्मल। इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? आइसोथर्मल। जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें आइसो का मतलब क्या है? सेम। थर्मल का मतलब क्या है? तो इस चीज में, इस प्रोसेस में क्या चीज चेंज नहीं होता है? टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है क्या? डल रिस्पॉन्स। ओके, तो क्या हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT जानते हैं? हाँ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई? PV इज इक्वल टू
उधर चुप कराने के तुम लोग बात कर लो। BB is equal to NRT। तो यहाँ पे क्या चीज कॉन्स्टेंट हो गया बेटा? तो BB is equal to क्या कॉन्स्टेंट हो जाएगा? The response BB is equal to कॉन्स्टेंट हो जाएगा क्या? ओके वेरी गुड बच्चों। तो आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ से क्या मिल जाएगी? P1 V1 is equal to P2 V2। क्या हो जाएगी? P1 V1 is equal to P2 V2। तो आइडियल गैस इक्वेशन इसके लिए क्या हो जाएगी? P1 V1 is equal to P2 V2। हाँ कि ना? क्या सब लोगों को ये वाली बात डाइजेस्ट हो रही है? ये कौन सा प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? और इसमें क्या चीज कॉन्स्टेंट होता है? इसमें क्या चीज कॉन्स्टेंट होता है? अच्छा यार, तो अब इसके लिए हम लोग ऊपर ट्रांसफर कैलकुलेट करेंगे। ओके चलो, हम लोग क्लोज सिस्टम वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या सीखे हैं? dW is equal to PdV। याद आ रहा है कि नहीं? This formula is strictly valid for closed system reversible process. This is strictly valid for closed system reversible process. Remember? Yes. Okay. तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? PV is equal to constant है कि नहीं? तो क्या मैं इससे यहाँ से ला सकता हूँ P is equal to? P की जगह क्या लिख दिया जाए? C/V/dV। बोलो भाई। हम क्या सब लोगों को बात समझ में आ रही? अच्छा यार, इसके लिए थोड़ा ग्राफ भी हम यहाँ पर बनाते, थोड़ी सी जगह का, इसीलिए छोटे ही बोर्ड पे बनाते हैं। ध्यान से यहाँ पे बेटा प्रेशर है और यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम। बोलो हाँ या ना। तो अगर हम लोग कायदे से ड्रॉ करें तो इसके लिए क्या कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ? इसको क्या बोलते हैं? P is equal to C by V है कि नहीं? तो Y is equal to 1 by X, इस टाइप का ग्राफ होगा कि नहीं? अरे बोलो यार। तो क्या ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा? अरे जानता है कि नहीं तुम लोग? नहीं जानता है? चलो गणित में सीखोगे अभी। तो P और V के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा ड्रॉ ग्राफ आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपर ठीक है भाई। और कुछ लोग इसको आइसोथर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्या आवाज बहुत कम कमा रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोथर्म। अच्छा देख, यहाँ पे एरो बना दे। तो यहां से जाने तो प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ तक प्रेशर क्या हो रहा है? घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और टेम्परेचर के बारे में क्या बोलोगे? टेम्परेचर कैसा है भाई? मान लो बेटा यहाँ पे वॉल्यूम रहा हो कुछ V1 और यहाँ पे वॉल्यूम कुछ हो गया हो कितना? V2। यहाँ पे वॉल्यूम कितना रहा हो? V1। यहाँ पे वॉल्यूम V2। क्या बात समझ में आ रही है? सीधे बैठ, पीठ टेढ़ा हो जाए। हाँ, तो अब ये कांस्टेंट है कि नहीं बच्चों? तो C/dV/V वॉल्यूम कहां से कहां तक बदल रहा है? V1 से V2। dW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? W कांस्टेंट को बाहर ला सकता हूं। तो 1/V का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln V। क्या हो जाएगा? कहां से कहां तक? V1 से V2। बोलो हाँ या ना। तो ये कितना हो जाएगा? कांस्टेंट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? NRT लिख सकते हैं। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? NRT ln V2 upon V1। अरे हाँ कि ना? अच्छा यार, और NRT is equal to, देखो क्या PV लिखा जा सकता है? यहाँ का प्रेशर कुछ P1 हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ का प्रेशर कुछ P2 हो जाएगा कि नहीं? तो क्या मैं NRT की जगह P1 V1 या P2 V2 दोनों लिख सकता हूँ कि नहीं? तो क्या मैं यही फॉर्मूले को मैं W is equal to क्या ऐसा लिख सकता हूँ? P
P1 V1 ln V2 upon V1. हाँ कि ना? हाँ P1 V1 ln V2 by V1. क्या लिखूंगा मैं? P1 V1 ln V2 by V1. फिर से बोलो. P1 V1 ln V2 by V1. या इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, V2 V2 ln V2 by V1. Yes या no? So this is the formula for work transfer of an isothermal process. फिर से बोलेगा, what is work transfer for isochoric? For isobaric? और यहाँ पे P1 V1 ln V2 by V1 या P2 V2 ln V2 by. अरे याद रखोगे? लिख लो. और ग्राफ इसका वही वाला बना दिया जाए. क्या बोलते हैं उसको? ये B है और ये क्या बेटा? B. अच्छा यार, तो यहाँ से यहाँ तक में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि और प्रेशर क्या हो रहा है? अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? तो एक्सपेंशन हो रहा होगा कि कंप्रेशन? अच्छा मुक्का नहीं मारता, कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ता है कि घटता है बे? तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है? घट रहा है. तो ये किसका ग्राफ है? एक्सपेंशन. ये किसका ग्राफ है? वॉल्यूम बढ़ रहा है ना भाई. वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा भाई? एक्सपेंशन. क्या सुन रहा है कि नहीं? तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो सिस्टम काम कर रहा है कि हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं? एक्सपेंशन खुद से फट रहा है ना, एक्सपेंड कर रहा है. बोलो हाँ ना. तो सिस्टम कर रहा ना, तो बाय द सिस्टम हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ से हीट जो सप्लाई, हीट रिजेक्ट हो रही होगी कि हीट सप्लाई हो रही होगी? रिजेक्ट. क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो कंप्रेस. तो ये किसका ग्राफ है भाई? हीट. हो गया बच्चों?
अभी निकालेंगे ना जगह तो मिले, बोर्ड में जगह है, कहाँ निकालेंगे ट्रांसफर? हो गया बच्चों? अच्छा बच्चों, फिर से एक बार हम बात करते हैं पेन वाले को और गाने की तरफ। हम लोग कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं? आइसोथर्मल में क्या चीज कांस्टेंट रहती है? समय बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर कांस्टेंट। ये वाला जो ग्राफ होगा थोड़ा इसको फील करते हैं। बलराम जी पेन में रख दीजिए। यहाँ पे प्रेशर क्या पी वन था, यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ा है कि नहीं, प्रेशर घटा है कि नहीं। तो ये कुछ ऐसा हो रहा होगा कि चीजें एक्सपेंड कर रही है। क्या कर रहा होगा सिस्टम, क्या कर रहा होगा भाई? एक्सपेंड कर रहा होगा। अरे क्या हो गया, छिपकली से इतना डर रहे हो यार? और दिखा के डरवा रहा है, डरो ना, इग्नोर यार। तो चीजें एक्सपेंड की होंगी, बोलो हाँ कि ना। अच्छा, कंप्रेस हम किए होंगे, एक्सपेंड खुद से किया हो। तो जब एक्सपेंड किया होगा तो हीट को वो क्या किया होगा, रिजेक्ट किया होगा। हीट को वो क्या किया होगा भाई, रिजेक्ट किया, हाँ कि ना। जैसे हम कंप्रेस करते, हम क्या करते भाई, कंप्रेस करते। तो हम करते वर्क सिस्टम के ऊपर, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन इज बाय द सिस्टम। बोलो हाँ या ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक एक और बात के बारे में बात करेंगे। हम लोग क्यू के लिए क्या सीखे थे? क्यू इज इक्वल टू क्या, एन सी डेल्टा टी था, नल रिस्पॉन्स। क्यू इज इक्वल टू क्या आया था, और हम लोग एक बात कहते हैं कि एन सी, हम लोग सीपी ग्रेटर देन सीवी प्रूव करने में सक्षम हुए थे क्या? अच्छा, तो अगर क्यू की बात करें हम लोग, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है भाई, कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए जरा बोलो, क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी हो जाएगा। और डेल्टा टी इसके लिए कितना हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब इसमें सम ऑफ या कोई भी क्यू का ट्रांजेक्शन ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब सुनो, सिस्टम और सराउंडिंग, ये वाले जो बात बोल रहे हैं ना, ये बहक रहे हैं सिर्फ। ये सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा रहा है, ये बहकाने वाली बात है। ये दो चीज से रिलेट मत करो। फिर से सुनो, सम ऑफ ऑल द क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, जीरो। इसका मतलब है, इसका मतलब वहां पे, यहाँ पे क्या चीज जीरो था और यहाँ पे क्या चीज जीरो है, इसका क्या मतलब? यहाँ पे वर्क जीरो का मतलब क्या था, कि सिस्टम और सराउंडिंग में सिर्फ एक ही प्रकार का इंटरेक्शन हो सकता है, वो कौन सा हो सकता है, हीट। अरे हाँ कि ना, अगर तुम सिस्टम को हीट दोगे तो उसकी क्या बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी। बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे अगर हम लोग हीट दिए हैं तो इसके इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया है भाई, जीरो। क्योंकि ये जो क्यू है ये एक्चुअली चेंज लाता है किसमें, याद है कि नहीं, डल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आ गया, जीरो। मतलब जो भी तुम हीट दिए होगे सिस्टम को, वो किस फॉर्म में तुमको आउटपुट देने वाला है, सिर्फ और सिर्फ नहीं आया। फिर से सुनेंगे, हम लोग क्या बनाए थे उस दिन, गीजर। हम लोग क्या बनाए थे, गीजर। गीजर से हम क्या आउटपुट पाना चाह रहे थे, गर्म पानी। गर्म पानी में तो उसका क्या बढ़ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल। तो हम उस प्रोसेस को कैसा बनाने की कोशिश किए, बात समझ में आ रही है? अब हम चाहते हैं बाइक बनाना, क्या बनाना चाहते हैं, या हीट इंजन बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, उससे आउटपुट हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए आउटपुट। तो हम कौन सा प्रोसेस चूज करें, क्यों? क्योंकि उसमें जो भी हीट दोगे वो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में नहीं जा रही है, कहाँ जा रही है, और हमारा, हम चाहते भी क्या है उससे, मतलब हमारा थर्मोडायनामिक्स की पढ़ाई क्या थी, टू कन्वर्ट इंटू वर्क। और वो भी कैसे, वर्क तो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, बट इसमें वर्क के साथ साथ एंथैल्पी भी चेंज हो रहा है। तो कुछ हीट हमको इसके लिए भी देनी पड़ेगी। इस वाले प्रोसेस में वर्क नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हीट, उसकी इंटरनल एनर्जी बदलेगी। हम आउटपुट क्या चाहते हैं, वर्क। इस बार हम क्या आउटपुट चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे मेरा ज्यादा से ज्यादा एफिशियंट रहे। बोलो हाँ या ना। तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज है, जीरो। तो इसका मतलब जो हमारी बाइक होती है, कार होती है, उन सब में हो ना हो एक प्रोसेस आइसोथर्मल बनाना चाहिए। बोलो है ना। और अगर साइंटिस्ट इंजीनियर लोग बुद्धिमान रहे होंगे तो पक्का एक प्रोसेस आइसोथर्मल बनाए होंगे कि नहीं, यस।
बाइक जिस साइकिल पे बेस्ड होता है वो साइकिल या कोई भी हीट इंजन जिस साइकिल पे बेस्ड होता है उसको एक कार्नोट चाचा बनाए थे। कौन बनाए थे? डल रिस्पॉन्स कार्नोट। ये नहीं कि कार नहीं, कार नहीं, कार्नोट नाम है, समझ में आ रही बात। तो कार्नोट चाचा बोले यार सला आइसोथर्मल हमको एक प्रोसेस, अभी तीन ही पढ़े हैं, तीन में एक ऐसा प्रोसेस मिल गया आइसोथर्मल जो सिस्टम और सराउंडिंग में सिर्फ एक फॉर्म में इंटरेक्ट कर सकता है। किस फॉर्म में? वर्क। अरे हाँ कि ना, सिस्टम और सराउंडिंग किस फॉर्म में मिल सकते हैं? सिर्फ वर्क। और हमारा आउटपुट भी हमको चाहिए क्या था? वर्क। तो क्या एक प्रोसेस आइसोथर्मल कम से कम बनाने की कोशिश की जाए? यस। और आइडियली एक प्रोसेस हीट इंजन का आइसोथर्मल होता भी, क्योंकि अगर हम ऐसा बना लेंगे तो क्या मेरा इंजन सबसे ज्यादा ऑफ ऑल दी प्रोसेसेस ये सबसे एफिशिएंट दिख रहा है कि नहीं? अरे हाँ है ना। तो आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आता है? जीरो। तो जो भी हीट देते हैं वो कहाँ जाती है? क्योंकि फॉर दी प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? क्यू इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी और ट्रांसफर। अरे हाँ कि ना। तो जो भी हीट दिए वो गई कहाँ? इस प्रोसेस के लिए आइसोकोरिक। जो भी हीट दिए वो इंटरनल एनर्जी और वर्क करने की क्षमता बताई, एंथैल्पी भी बदली और साथ ही साथ वर्क भी की। किस प्रोसेस के लिए? आइसोथर्मल के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ? तो जो भी हीट दिए वो गई कहां? वर्क को ट्रांसफर कर। नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसके लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना हो जाएगा? जीरो। तो जो भी यू है वो इसके कारण फॉर्मूला बोलो बच्ची। अच्छा तो यार बकर सर आप तो गड़बड़ बात बोल रहे हैं। आप जो बात बोल रहे हैं आप सर ऐसा बता रहे हैं कि जो हमारे बाइक का वर्क ट्रांसफर हो वो वर्क ट्रांसफर जो है सर आइसोथर्मल हो। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है? अंदर तो पेट्रोल जलता है और पेट्रोल जलेगा तो अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने का मतलब सर टेम्परेचर राइज करेगा। हाँ करता है, टेम्परेचर राइज करने की कोशिश करता है। हीट जैसे ही प्रोड्यूस होती है इंजन में, देखे हो कभी अपनी बाइक के इंजन को देखना, उसमें ऐसे छोटे 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 ऐसे करके साइड में फिन्स लगे होते हैं। इसको क्या बोला जाता है? फिन्स। वो फिन्स इसीलिए बोलते हैं, हीट ट्रांसफर पड़े थे। तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या करें? फट से बाहर निकाल दें। जितनी हमको जरूरत है वर्क कराने के लिए उतनी हीट तो ले लिए, बाकी उस पूरे सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज मत लाओ। यही कोशिश करता है इंजन। इंजन क्या कोशिश करता है? पेट्रोल जला। अरे हाँ कि ना। और जो हमारा इंजन है जो वर्किंग कंडीशन है बोलता है कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहने दो, हमारे टेम्परेचर को क्या कर दो? कांस्टेंट रहने दो। तो जो एक्स्ट्रा हीट है वो क्या करे? सिंक सोर्स से सिंक में, बाहर को बोलते हैं सिंक। कि आप कहाँ निकाल दो भाई? सिंक में निकाल दो। तो अब सिंक में निकालो फिर जल्दी निकालो, क्योंकि हमेशा पेट्रोल जलता है। ऐसा तो नहीं है कि एक बार जल करके बंद हो गया। अरे बोलो यार। तो वो लगातार रिजेक्ट करते रहता है सिस्टम से बाहर, सराउंडिंग में, सिस्टम से बाहर, सिस्टम से बाहर, सिस्टम से बाहर, हर बार हीट रिजेक्ट कर रहा है। बोलो हाँ या ना। और इसको करने को तेजी से करना है तो उसके लिए हम साइड में इसके ये लगाते हैं फिन्स। फिन्स क्या करता है कि हीट के ट्रांसफर के रेट को बढ़ा देता है। क्या करता है भाई? हीट के ट्रांसफर के रेट को बढ़ा देता है। अच्छा अब तुम देखो कारों में तो फिन्स नहीं लगा होता है, तो कार में क्या रहता है? रेडिएटर। उसमें पानी और हवा दोनों मिलकर के हीट निकालती है। कभी रेडिएटर खराब हो जाए, तुम्हारी गाड़ी चलते 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 बोलते नहीं गर्म हो गई, व्हाट इज दिस गर्म हो गई? अरे अबे उन्हें व्हाट इज दिस, टेक्निकली बात करो दिस गर्म हो गई मतलब प्रोसेस इज नो मोर एक्सटर्नल प्रोसेस। बोलो हाँ है ना। होते 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 उसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर जाता है कि वो ब्रेक डाउन कर जाता है। क्योंकि उससे हीट उतनी तेजी से, जितनी तेजी से प्रोड्यूस हो रहा है उतनी तेजी से निकल। क्या डाइजेस्ट हो रही है मेरी बात? क्योंकि जो तुम्हारा हीट इंजन है, जो तुम्हारे गाड़ी का इंजन है, वो किस पे डिजाइन किया गया है? आइसोथर्मली वर्किंग करने के लिए डिजाइन किया गया। और अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अच्छा सर इसीलिए कारों को चलाओ अनंत काल तक, थोड़ी आज स्टार्ट किया तो ऐसा होता है क्या कि डेढ़ साल तक स्टार्ट ही रहती है? क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो भाई साहब उसका टेम्परेचर भी तो इंक्रीज करेगा, थोड़ा ही थोड़ा 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 इंक्रीज कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? अरे बात समझ में आ रही।
तुमको मालूम है अगर एक बार में जो तुम्हारा तेल जलता है उससे इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस हो सकता है 3,000-4,000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाए, मगर फिर भी तुम भाई को बहुत देर बाद छूते हो तो हल्का गर्म रहता है, फिर भी कभी कभार हल्का हल्का छुआ जाता है तो दिक्कत नहीं ना होती है, क्योंकि उसमें से हीट क्या रहती है निकलते रहते। सब कोई का मुंह बन गया, समझ में आया कि नहीं आया? तो वर्क अगर हम चाहते हैं कि आउटपुट क्या हो, वर्क तो प्रोसेस को कैसा बनाया जाए, फिर से हम बात करने वाले हैं। आइसोथर्मल के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या गीजर को आइसोथर्मली बनाया जाए? क्यों, उसका काम है उसको गीजर है नहीं बोलो हाँ है ना, उसका वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P1 V1 LN V2 upon V1 V2 V2 LN V2 upon V1। बोलो सब लोग, रटो एकदम कायदे से रटे रहो, P1 V1 upon V2 V1। समझ में आ रही बात हाँ कि ना? तो ये वर्क किसके लिए हो गया भाई? ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या P1 V1 is equal to P2। और ये किसका है? ये ग्राफ किसका? एक्सपेंशन की कंप्रेशन, अगर डायरेक्शन बदल देंगे तो वो कंप्रेशन। क्या बात समझ में आ रही? तो हम लोग उस दिन साइकिल की बात किए थे, थर्मोडायनेमिक्स में कितने मिनिमम प्रोसेस होते हैं साइकिल के लिए? दो। ये जो हमारी साइकिल होगी, चार साइकिल में चार प्रोसेस में बेस्ड होगी, हीट इंजन जो पढ़ेंगे वो कितने प्रोसेसेस में बेस्ड होगी? चार, जिसमें से दो आइसोथर्मल होगा और अभी आगे सीखेंगे दो एडियाबेटिक होगा। एक होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये जो है ना, यहाँ से हीट क्या हो रहा था? हीट रिजेक्ट हो रही, हीट क्या हो रही थी? रिजेक्ट। और हीट अभी सप्लाई वाला भी देखेंगे आइसोथर्मल। ये अजीब सी बात नहीं लग रही है कि सर आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और आप उसमें बात कर रहे हैं हीट सप्लाई की या हीट रिजेक्शन की? ये तुम्हारे लिए अजीब सी बात है, टेम्परेचर और हीट ये दोनों अलग अलग चीज है। हीट बहती है और हीट के बहाव के कारण क्या चीज बहता है, क्या चीज बढ़ता है? क्या बात समझ में आ रही ना? हीट किधर से किधर बहती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर है वो क्या है? मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, और टेम्परेचर डिफरेंस बताता है कि हीट के फ्लो की दिशा कितनी किधर हो। क्या बात डाइजेस्ट हो रही है? यहां से यहां तक टेम्परेचर क्या है भाई? कॉन्स्टेंट है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो हीट का या तो सप्लाई हो रहा होगा या तो हीट रिजेक्ट होती होगी। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हीट रिजेक्ट। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट पे हीट रिजेक्ट होती है। Isn't it amazing? नहीं तो बता नहीं सकते हैं। क्या बात समझ में आया? क्या अपने चार्ट में इसको भी फुलफिल कर। मेरे को ही गर्मी लगती है, तुम लोग मुझे स्वेटर पहने हैं इधर भी। पढ़ाने में एकदम वो अलग लगता है, जब मन से पढ़ाओ ना एक अच्छे हीट चैप्टर चल रहा है, आधे तो हीट यहीं से निकल रही है। बेटा तुम लोगों को जितनी हम खुशी खुशी आंख में चमक से सिखाते हैं ना, अभी अगर कायदे से अच्छे से इंजीनियरिंग करो और अगर मान लो पैसे के बहुत लालची नहीं बनोगे तो मैकेनिकल मैकेनिकल सब्जेक्ट भी लेना, मैकेनिकल सब्जेक्ट पैसे का लालच ना हो, बहुत मजा आता है पढ़ने में। इन चीजों को तुम लोग देख पाओगे इंजीनियरिंग में क्यों होगा। अगर सब्जेक्ट रहेगा, अगर मैकेनिकल लेते हो तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करोगे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, फिर पढ़ोगे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड ईयर में, फिर इसको और आगे करके पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ोगे और ये चीजें बहुत रिलेट होंगी, फिर IC इंटरनल कंबशन इंजन पढ़ोगे, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सब उसमें सब्जेक्ट्स हैं और बड़ा मजा आता है पढ़ने में, रिलेट कर पाओगे और हर रोज के बेसिस पे तुम वहां देख भी पाओगे यार बाप बाइक हीट रिजेक्ट कर रही है। आइडियली अब आइडियली जितना पढ़ेंगे वो बातें हम फील कर पाएंगे, अभी हम जितना समझा रहे तुमको ये और अच्छा तुम देख पाओगे जब प्रैक्टिकलिटी में इस बात को देखो। पहला ये अलग अलग प्रोसेस आप लोगों को समझ में आए बच्चे? बोलो हाँ है ना। इसके बाद अगला प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और उस प्रोसेस का नाम है एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? एडियाबेटिक।
उसने बोले थे गामा वाज द एडियाबेटिक कांस्टेंट। गामा के लिए हम लोग क्या बात किए थे, वो कैसा कांस्टेंट है? एडियाबेटिक कांस्टेंट। सर ये कौन सा नया प्रोसेस हुआ सर, ये तो कभी नाम नहीं सुने ना कुछ रिलेट कर पा। एडियाबेटिक का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज इन हीट या हीट का कोई भी आदान प्रदान सिस्टम और सराउंडिंग में नहीं होता। एडियाबेटिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम से ना तो कोई भी हीट बाहर जा सकती है ना तो कोई भी हीट अंदर आ सकती है। एक प्रोसेस को हम लोग एडियाबेटिक बना दिए। कैसा बना दिए बेटा? एडियाबेटिक प्रोसेस में ना तो हीट बाहर जाएगी और ना तो हीट अच्छा सिस्टम और सराउंडिंग। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग सीखे सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से किस मोड में वार्तालाप कर सकते हैं, या तो हीट के फॉर्म में या तो वर्क के फॉर्म में। सिस्टम और सराउंडिंग में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोला, या तो हीट का आदान प्रदान होगा या तो वर्क। और सर आप एडियाबेटिक के लिए बोल रहे हैं कि हीट का आदान प्रदान सिस्टम से ना तो कोई भी हीट बाहर जा सकती है ना तो कोई भी अंदर। तो सिस्टम और सराउंडिंग अगर इंटरेक्ट करेंगे तो किस मोड में कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ वर्क। और हीट इंजन में हम क्या चाहते थे? मतलब सला अपना जो हीट इंजन है उसमें दुई को प्रोसेस बना लो आइसोथर्मल और दुई को प्रोसेस बना लो एडियाबेटिक। जब आपको हीट नहीं निकालना है सिस्टम से कुछ भी बाहर ना कुछ भेजना हो तो उस टाइम पे प्रोसेस को कैसा कर दिया जाए? एडियाबेटिक। अरे बोलो यार। अच्छा हीट कब जरूरत पड़ेगी और कब रिजेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी? जब अंदर पेट्रोल जलेगा तो हीट रिजेक्ट करो, बाकी टाइम हीट रिजेक्ट मत करो। अरे हाँ या ना? तो हीट को रिजेक्ट करने की जरूरत सिर्फ एक ही बात पड़ रही है हमको, बोलो हाँ या ना? तो हम उस टाइम पे कैसा प्रोसेस कर लिया जाए? एडियाबेटिक। मतलब जो हमारी साइकिल होगी उसमें दुई को प्रोसेस कैसा रहेगा भाई? एडियाबेटिक। और दो को प्रोसेस क्यों? क्योंकि हमारा आउटपुट क्या ऑब्जेक्टिव है? इंजन से। और यही दो प्रोसेस अभी तक आप ऐसा आपको सिखा पाए हैं जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क मिल पा रहा है। हम हीट दिए और हम ज्यादा से ज्यादा हम बढ़िया आदमी हैं, बोलो भाई हाँ या ना? तो हम ज्यादा से ज्यादा कार्य करवाना चाहते हैं। तो हमको कार्य करवाने के लिए दो दो सुंदर प्रोसेस आप दिखा रहे हैं, वो कौन से? एक तो क्योंकि सर अगर ये प्रोसेस लगा दिए तो कुछ कार्य नहीं होगा, हम तो डूब जाएंगे। बोलो हाँ या ना? हमको गर्मा करके क्या करना है? बोलो हाँ या ना? हम क्या चाहते हैं? वाह। तो कैसा प्रोसेस करें भाई? बोलो भाई अगला कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक के लिए उधर कापी में देख लो, लिख भी लो तुम। PV is equal to nRT पढ़े ना बेटा। इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV के पावर गामा is equal to constant। क्या होती है? PV के पावर गामा is equal to constant। Where गामा is ratio of PV upon CV। Remember what is गामा? हेलो मुन्ना जी, ये दो कर गामा इज एडियाबेटिक कांस्टेंट व्हिच इज रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी। रिमेंबर? ओके। तो क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क का फॉर्मूला सर रखवाए क्या? पी डी वी। Yes, you know. Well, this one also. Mr. Munna. BWP क्यों हंस रहे? चलिए आप P की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं जरा? Constant upon V के पावर गामा लिखते हैं। थोड़ा छोटा छोटा लिखे चलेगा? सब तक पीछे वाले बच्चे दिख रहा है? ओके। और सुनाई तो दे ही रहा हूँ। नहीं जरा चेकअप करा। BW का कितना हो जाएगा? W बोलो बच्ची। This is equal to okay constant। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ V के पावर माइनस गामा dV लिख सकता हूँ। 1/V के पावर गामा, बोलो हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा? V के पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। बोलो बच्ची क्या हो गया?
मुंह छुपाने वाला ऐसा क्या किए हो? मुंह छुपा रहा है क्या मन? गलत काम किया कुछ? किधर? तो वर्क ट्रांसफर कितना हो जाएगा? सी। अच्छा बच्चा लोग मजा आ रहा है, क्या मैं सी को लिख सकता हूँ? इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखवाऊँ ना? नीचे देखो यहाँ पर, ये क्या P1V1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 के पावर गामा नहीं लिख सकता हूँ मैं? आइडियल गैस इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ कि नहीं? P1V1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 के पावर गामा। सारे बोलो, जोर से बोलो, इधर देखो। C को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? पेन रख C का गजा प्लीज अभिषेक, और इसका स्लोप और इसका स्लोप अलग अलग होगा, हाँ कि ना? उसके लिए थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी थोड़ी थोड़ी बात किया जाए। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, एक बार V2 रख सकते हैं, एक बार V1 रख सकते हैं, एक बार V2 रखें। तो यहाँ पे ये इसके लिए क्या रखेंगे? थैंक यू। एक बार यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा? V2। और एक बार यहाँ पे क्या रखेंगे? तो C की जगह जब V2 रखेंगे तो P2V2 वाला यूज करेंगे, जब V1 रखेंगे तो P1V1। मैं क्या बोला सुनेगा? C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1V1 के पावर गामा। यहाँ रखवाओ जरा, पहले P2 वाला, P2V2 के पावर गामा इंटू V2 के पावर माइनस गामा प्लस 1। बोलो हाँ या ना? माइनस C की जगह अब P1V1 के पावर गामा इंटू V1 के पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1। क्या ये सब समझ में आया? डल रिस्पॉन्स आ गया सबका, समझ में आया कि नहीं? अब पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा कि नहीं मल्टीप्लीकेशन? तो माइनस गामा प्लस 1 ये कितना हो जाएगा? P2V2 क्योंकि माइनस गामा कटा मुटा, माइनस P1V1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। अच्छा यार गामा की वैल्यू हम लोग प्रूफ किए थे किससे बड़ी आती है? 1 से बड़ी, CV अपॉन CV। हमें ठीक से बैठ सिनेमा हॉल में नहीं आया तो क्या इसको आगे ले जाए तो ये माइनस माइनस कटा मुटा हो जाएगा? तो यहाँ से ये 1 का फॉर्मूला आ गया, क्या बताओ तो जरा? P1V1 माइनस अपॉन गामा माइनस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज द वर्क ट्रांसफर फॉर कौन से प्रोसेस? क्या हो जाएगा? P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस और Q की मात्रा कितनी हो रही है? अरे सुन रहा है कि नहीं? डेल्टा क्यू, क्यू की मात्रा जीरो ना बोला जाए, किसकी मात्रा जीरो बोला जाए? और ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसके लिए भी जो पीवी का ग्राफ आएगा वो क्या आइसोथर्म ही आएगा? बोलो हाँ या ना? बट उसका स्लोप अभी हम लोग सीखेंगे, ये भी क्या है? पी और पी, इसका स्लोप कुछ और है, इससे थोड़ा सा नीचे बना। अगर ये आइसोथर्म है तो उससे थोड़ा सा नीचे बना, ठीक है? क्यों अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है? अभी इसका थोड़ा सा नीचे बना। आराम से बैठेगा, जिंगल बेलवा जिंगल। हाँ, विदेशों में क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाया जाता है।
तो सब आप लोग बोला इतना इतना छुट्टी होता है, अबे तो यहाँ के इधर नाग पंचमी पंच पंचमी सब कुछ वहाँ देख के थोड़े बार हो जाए इंडिया में। यहाँ तो तुम लोग एक बार जाते हो एक त्योहार ले जाते दो तीन को पूरा करके आते क्या दो तीन दिन के बीच में आए रक्षाबंधन में लड़कियों से ज्यादा भाई चले गए थे भाई हमारे पास जगह कम थी बेटा इसलिए हम ऐसे बनाए, बस तुम आइसोथर्म को थोड़ा सा नीचे बनाओगे ठीक है ना, एक डॉटेड लाइन दिखाना आइसोथर्म उसके नीचे समझने के। आराम कर ना, बाकी सब लिखेगा मैं आराम करेगा, सब कोई लिख ले डॉटेड लाइन, वो दिखा रहा है कि आइसोथर्मल है उसके नीचे जा रहा है। नहीं बेटा ये यहाँ पे लड़ाना मत, ये मेरे ड्राइंग के मास्टर की कमी है। तुम लोग ऐसे है ग्राफ मतलब लड़ाना मत भाई ठीक है ना, कहीं भी दोनों पे इंफिनिटी पे जाकर के लड़ेगी, ये मैं नहीं कि वहां कहीं जाके लड़ा दे। मैं ऊपर बना देता हूँ मैं यहाँ बना देता हूँ पी और वी का ग्राफ आइसोथर्म होगा ऐसा, और इसे थोड़ा सा ऊपर पे ये डॉटेड लाइन दिखा दो, ये आइसोथर्म है और ये एडियाबेटिक है, एक आइसोथर्म है और दूसरा क्या बेटा एडिया है। Thank you.
क्या हो गया अगला प्रोसेस, अगला और लास्ट प्रोसेस है जो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं बट फिर भी जानना जरूरी है हमको थोड़ा बहुत, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मतलब होता है बच्चों ऐसा प्रोसेस, पॉली का मतलब होता है मेनी, ट्रॉपिक का मतलब होता है चेंज। पॉलीट्रॉपिक में कोई भी एक ऐसा स्टेट या ऐसा पैरामीटर नहीं है जो कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई भी पैरामीटर, कोई भी हर चीज चेंज हो सकती है। क्या बात समझ में आ रही है? कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिक का प्रॉपर्टी नहीं है जो इसमें क्या रहती है, कांस्टेंट। मतलब क्या किसी भी जनरल प्रोसेस को पॉलीट्रॉपिक बोल रहे हैं? यस, आप किसी भी जनरल प्रोसेस को। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? पीवी के पावर के इज इक्वल टू कांस्टेंट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? पीवी के पावर के, यहाँ पे के को, वहां पे गामा को क्या बोले थे? एडियाबेटिक कांस्टेंट। यहाँ के होता है पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है बेटा? पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट। पॉली का मतलब हो गया मेनी, ट्रॉपिक का मतलब हो गया चेंज। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर पैरामीटर इंडिपेंडेंट चेंज हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो जैसे अगर उसका भी वर्क निकालेंगे तो क्या, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो यहाँ की तरह वो भी W is equal to कितना आ जाएगा? P1 V1 minus P2 V2 upon K minus 1। हाँ कि ना? डिराइव करेंगे तो वही चीज आएगी, बोलो हाँ या ना। तो इसके लिए पॉलीट्रॉपिक के लिए वर्क ट्रांसफर कितना आ गया? V1 minus। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये K की जो मात्रा होती है ना बेटा, 1 से लेकर के गामा के बीच में लाई करती है। मतलब K 1 से बड़ा होता है और गामा से क्या होता है? छोटा। क्या बात समझ में आ रही है? तो उसका अगर स्लोप बनाएंगे तो उसका स्लोप कैसा हो जाएगा? ना ये इसके बीच में कुछ। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये आइसोथर्म है, फिर पॉलीट्रॉपिक, फिर एडियाबेटिक। पहले आइसोथर्म, फिर पॉलीट्रॉपिक, फिर एडियाबेटिक। याद रखोगे तुम लोग? तो किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? पॉलीट्रॉपिक। तो हम लोगों को जो सीखना है, क्या यही चार प्रोसेस सीखने चाहिए कायदे से? और एक ये जानकारी के लिए सीख लिए, बोलो हाँ या ना। तो हम एक बार फिर से बात करेंगे, आइसोकोरिक में क्या कॉन्स्टेंट रहता है? आइसोबारिक में, आइसोथर्मल में, एडियाबेटिक में, एडियाबेटिक में हीट का ट्रांसफर नहीं होता, बोलो हाँ या ना। ना तो सिस्टम से कोई भी हीट जाता है, ना तो सिस्टम में कोई भी चेंज इन हीट, कितना होता है भाई? जीरो। तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम सराउंडिंग के फॉर्म में इंटरेक्ट करते हैं। व्हाट इज वर्क ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस? P1 V1 minus P2 V2 upon gamma minus 1। What is work transfer of isothermal process? P1 V1 ln P2 by P1 या P2 V2 ln P2 by P1। What is work transfer for isobaric process? P V2 minus V1। What is for isochoric? Zero. Okay. What is heat transfer for adiabatic process? Adiabatic. Zero. Bolo haan ya na. And what is the change in internal energy for isothermal process? Zero. So what is the heat, what is the change in internal energy for this? Means वो क्या कहा जाता है? Enthalpy। और यहाँ पे हाँ या ना? Example, ये graph सारा समझ में आया? अब हम लोग एक सवाल इसके माध्यम से करेंगे, एक सवाल करते हैं processes पे, तो थोड़ा feel आएगा। अच्छा उतार दो, कुछ भी नहीं कॉन्स्टेंट, इसीलिए तो उसका नाम है पॉलीट्रॉपिक। पॉली मतलब मैनी, ट्रॉपिक मतलब चेंजेस। क्या चीज बेटा? ये इसका मतलब ये नहीं होता है आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू पीवी एनआरटी होता है ना, ये कैसे सीखे? गलतवाया ही है, ऐसे ही हम तुमको ये गलतवा रहे हैं। पीवी के पावर के इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रोडक्ट तो कांस्टेंट हो ही सकता है, कोई एक पैरामीटर ना कांस्टेंट हो।
ये क्या लॉजिक हो? उसके बाद हम कुछ ऐसा रख देंगे कॉन्स्टेंट हो, हम किसी भी प्रोसेस को हम क्या सिखाएंगे समझ जाएगा। सो लिखो, आएगा समझ, थोड़ा और फील आएगा। ट्रांसफर बेटा जीरो नहीं बोलेंगे उसमें, मतलब ये बात हमको मालूम ही नहीं, हम जानते ही नहीं। इसमें बहुत सी इक्वेशंस हैं आइडियल गैस वाली, और भी हम बना सकते हैं, बताएंगे कैसे। थोड़ा जगह खाली हो तो मिटा सकता है। सब कोई का हो गया तो एक सवाल करते हैं, फिर इस पे और रिसर्च किया जाएगा। क्या बोलते हैं यार, थर्मोडायनेमिक थोड़ा रिसर्च किया जा सकता है। एक सवाल ये है, देखो सुनेगा पहले तो सवाल है समझ में आ जाए। बोलता क्या है, तुमको बोला है कि कोई प्रोसेस है जो वन से टू तक गया, ये पी है और ये वी, और पी की वैल्यू दे दिया है कुछ 120 किलो पास्कल। 120 किलो का मतलब हो गया 10^3। 1 से 2 तक कैसा प्रोसेस हो रहा है? आइसोबारिक। कैसा हो रहा है? फिर बोलता है 2 से लेकर के सर 3 तक है। 2 से लेकर के 3 तक, ठीक है भाई। और फिर 3 से लेकर के 1 तक के आइसोथर्मली, ये कैसा प्रोसेस था, क्या कॉन्स्टेंट था, और यहाँ पे क्या कॉन्स्टेंट था। पहले यहाँ का वॉल्यूम दे दिया V1 is equal to 1 meter cube। कितना दे दिया भाई? 1 meter cube। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो बोल रहा है कैलकुलेट, देखो सवाल, कैलकुलेट दी टोटल वर्क ट्रांसफर, ये 80 kPa है। कैलकुलेट दी टोटल वर्क ट्रांसफर फॉर दिस साइकिल, कैलकुलेट दी टोटल वर्क ट्रांसफर फॉर द साइकिल इफ 1 to 2 प्रोसेस, 1 to 2, 1 to 2 कैसे लिखते हैं, 1-2, 1 से लेकर के 2 तक इज आइसोबारिक, 2 to 3 is isochoric and 3 to 1 is isothermal। Calculate the work transfer required ना, और उसके साथ साथ निकलो, also calculate V3, also calculate V3। और चीज कुछ देना चाहिए क्या आपको, एक मिनट देख लो।
80 है बेटा। हाँ नहीं जरूर सही है। 5 मिनट ट्राई करोगे तुम लोग कि हम ही बताएं? 5 मिनट ट्राई करो फिर उसके बाद हम करते हैं। पहले तो वॉल्यूम निकालने की कोशिश करते हैं, स्क्रीन निकालो तभी आएगा। इसके क्वेश्चंस बड़े बड़े भी होते हैं, बड़ा बड़ा डेटा दिया रहेगा, सॉल्यूशन भी बड़ा होगा, कैलकुलेशन भी बड़ा होगा। कुछ दिमाग नहीं लग रहा है, वॉल्यूम नहीं निकल पा रहा, वॉल्यूम नहीं निकल पाओगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। वॉल्यूम आ गया, कितना आया? 2/3 कैसे निकाल रहे हो? कैसे निकाला है? कौन सा पद? V1 by P2 कहाँ के लिए लगाया? पहले सर वन के लिए V1 था, V2 वन से टू के लिए क्या है? V1 by V2 सही बात। और टू से थ्री के लिए वहाँ पे क्या हो जाएगा? V1 by P2 हो जाएगा। तो क्यों ना 3 से 1 देख लिया जाए? अरे 3 से 1 अगर लिखे तो P1 क्या मैं लिख सकता हूँ? P1 V1 is equal to P3 V3। अरे यार आइडियल गैस इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए लिखो आंसर आ जाएगा। क्या इतना हार्ड वर्ड लेकर इस प्रोसेस के लिए? देख हमको यही तो वॉल्यूम चाहिए भाई। एक मिनट देखो यार, V2 is equal to V3 है, हाँ कि ना? हाँ। The response? Yes.
तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो 1 से लेकर के 3 तक आइडियल गैस इक्वेशन क्या यूज कर सकते हैं, P1 V1 is equal to P3 V3 आइसोथर्मल के लिए। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको बताओ, तो P1 की वैल्यू बताओ कितनी है 120, V1 की वैल्यू 1, P3 की वैल्यू 80 और V3 की वैल्यू पता नहीं, एक शून्य कट गया तो V3 is equal to 4/2 किससे काट रहे हैं, 3/2 बोलो तो 1.5 मीटर क्यूब हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, ये इसका वॉल्यूम क्या आ गया। अब तुम लोग हमको बता दे जाओ 1 से 2 तक कौन सा प्रोसेस, 1 से 2 तक कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक के बारिक है, आइसोबारिक, आइसोबारिक के लिए वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला बोलो, एरिया निकालने के लिए बेटा इसके नीचे कैसे निकालेगा, एरिया हमको ये वाला चाहिए, सही बोल रहा है, बट ये वाला कर्व कैसे निकाले, तो अलग अलग प्रोसेस का सीख के ग्राफ, मैं जो ग्राफ पेपर देता था ना कैसे ड्रॉ करके इसका कैसे स्लोप निकाले कैसे पता जाएगा, कुछ नहीं आएगा, 1 से 2 तक निकालो बस, जितना बोले सर हो जाएगा, बड़ा बकवास कर रहा हम, बोलना सुन रहा ही नहीं, एरिया अंडर कर्व किसका क्या हो जाएगा बताओ, पहले 1 से लेके 2 तक, तो 1 से 2 तक ये एरिया है, ये दूरी है, अब इसके लिए क्या करेंगे सर, ऐसे बोल रहा 1 मिनट हो गया, और इसके लिए जब करेगा तो ये वाला कर्व कैसे कैसे सॉल्व करेगा, फंस जाएगा ना, तो हम वही बोल रहे हैं कि इसके लिए कैसे हम सॉल्व किए, एकदम तुम सही बोल रहे हैं, एरिया अंडर द साइकिल के लिए तो यही एरिया हमको निकालना है ना भाई, ये एरिया कैसे आएगा, पूरे में से ये घटाते, तब हम क्या करेंगे 1 से 2 तक फॉर्मूला बोलो, V2 - V1 बोलो हां कि ना, तो ये कितना हो जाएगा, पी की जगह 120 × 10⁻³ V2 की जगह 1.5 - 1 तो क्या 1/2 हो जाएगा, ये कैसे किया समझ में आया कि नहीं, डेढ़ में से एक चला गया आधा बचा, फिर सीधे बैठ 260 तो ये कितना हो गया 60 × 10³ जूल, बोलो भाई वरना इसको क्या लिख सकते हैं 60 किलो जूल, वर्क 1 से 2 तक है, एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन, एक्सपेंशन, तो बाय द सिस्टम की ऑन द सिस्टम, समझ में आ रहा है क्या, बाय द सिस्टम पॉजिटिव चल रहा है, सही सही बात है, 2 से लेकर के 3 तक कितना हो जाएगा 0 आया ना, और वर्क फ्रॉम 3 to 1, 3 से 1 कैसा प्रोसेस, P3 V1 क्या हाँ या ना, ये सब समझ में आया कि नहीं आया, सब कोई को डाइजेस्ट होने के बाद, तो P3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बताओ, तो 80 × 10⁻³ बोलो हाँ कि ना, और ln V1 की जगह कितना हो जाएगा 1/1.3/2 लिख दिया जाए, तो ln 2/3 की वैल्यू बता सकते हो क्या, किसी को मालूम है नहीं पता है, चलो हम तुम लोगों को बता देंगे, ये वाली वैल्यू हम कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता देंगे, वरना तुम्हारे डेटा में दी रहेगी, आ रही बात कि नहीं, तो कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लें, ln कितना है भाई 2/3 आ रहा माइनस 0.40546 है, तो 55 दे दिया जाए, बोलो हाँ है ना, इसकी वैल्यू आई इनटू ये काट दे तो क्या बेटा 4 × 3 = 120 किलो जूल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसको सिंपलीफाई कर दे, गुणा कर दिया जाए, गुणा 120 तो आ जाएगा ये -48.65 किलो जूल, ये वर्क ट्रांसफर फॉर कहां से कहां तक आ गया, 3 से, कुछ हमको सोचने की जरूरत नहीं है,
तो टोटल वर्क ट्रांसफर पूछा है, बोलो ना यार। तो वर्क ट्रांसफर कितना हो जाएगा, W12 प्लस W23 प्लस W3 कितना आ जाएगा, ये 60 माइनस 48.6। क्या सवाल समझ में आया कैसे किए जाएंगे इसके? अरे हाँ कि ना, तो कैलकुलेशन भी बड़े होंगे और डेटा भी देना पड़ेगा और गलतियां भी। और तुमको हमने बात समझ में आई, तुम क्या बोल रहे थे, हम क्या समझाना चाह रहे थे? वो गर्ल, हाँ, 1-2 के लिए सही बोला था, तो उसके नीचे क्या दे देते, फिर 3-7 हम तो साइकिल का वर्क चाहिए, तो हम वो एरिया कैसे लेंगे, या तो हमको ग्राफ दिया जाए, नहीं तो फॉर्मूले से सॉल्व। अगर हम हमको ये दिक्कत ही नहीं आती तो हम फॉर्मूला डिराइव ही क्यों करते, हर जगह तो एरिया एंटर ही कर लेते। क्या बात समझ में आई? मारो फोटो से, मजा आया? वो शीट देना तो जरा कुछ होमवर्क देना, थोड़ा मैं शीट दे। देखो ये सवाल है पूरे, और ये कैलकुलेशन ऑफ वर्क सेक्शन ई, ठीक है, पेज नंबर कहां पे भी है, सेक्शन ई, वो भी कोशिश करना। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ई और एफ, ई और एफ, सेक्शन ई और सेक्शन एफ, पेज नंबर 8 में और 9 में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट देखो, पेज नंबर 14-15 का वर्क ट्रांसफर सेक्शन ई से करना, ये कल बात करेंगे, तो कल होगा अगली क्लास में, ये सेक्शन ई पेज नंबर 14 सेक्शन ई, पूरी बात समझ में आएगी जो जो हम पढ़े, ठीक है। एक सवाल अभी लिख दिया, कैलकुलेट दी वर्क ट्रांसफर फॉर द साइक्लिक प्रोसेस, कैलकुलेट दी वर्क ट्रांसफर फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। कल इस पर और अच्छी अच्छी बातें करेंगे, घर से प्लीज काम करके आना, तो डिस्कशन करने में अच्छा लगेगा। हाँ वो सर्कल है कि नहीं, नहीं मालूम, सर्कल कैसे हो सकता है, हाउ कैन इट बी अ सर्कल, सर्कल का रेडियस सेम होता है, यहाँ कहाँ से हाँ सर्कल नहीं, एलिप्स ही होगा, सही बोला, सेंटर का बीचों बीच हो, थोड़ा कॉमन सेंस सोचो, हम ही बता देंगे तो फिर तुम क्या करोगे, बस कॉपी में फोटो स्टेट करोगे तो नहीं, क्या सोचो जरा, हवाल बैठ गया।
देखो बच्चों, चलो हम एक बात करते थे, तुम लोग कभी कुछ बोलोगे है नहीं, बस बैठे रहते बातचीत करते। अबे यार यहाँ पे ये वाला जो पूरा रेडियस होता है, ये वाला, ये V नॉट के बराबर होता है पूरा डायमीटर, और ये कितने के बराबर होता है पी नॉट। अगर दोनों रेडियस सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई ए बी, ए क्या हो जाएगा V नॉट बाई टू आधा, और ये कितना हो जाएगा P नॉट बाई टू। तो आंसर हो गया पाई V नॉट P नॉट बाई फोर। पाई आर स्क्वायर आता है क्योंकि ए और बी की वैल्यू क्या हो जाती है भाई, सेम, सेमी मेजर एक्सेस और सेमी माइनर एक्सेस की वैल्यू क्या हो जाती है सेम। यहाँ पे पाई ए इंटू बी लिख दी, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी वी नॉट का आधा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पी नॉट का आधा। तो एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर पाई ए इंटू बी, आंसर हो गया। क्या बात समझ में आई? आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।